हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना है। सभी विद्यार्थियों से हम अनुरोध करेंगे कि पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो उसी को लेकर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP यानी यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। मैंने आपको यहाँ पर नोट भी कर दिया है कि वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, तो परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो दिए गए हैं यूपी बोर्ड की तरफ से वो क्या हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। क्योंकि पेपर पैटर्न कैसा आएगा, क्या क्या चीज़ें तैयार करना है, वो तो आपका यूपी बोर्ड ही आपको पेपर देगा। तो उसने जो है क्या सुझाव दिया है, उस सुझाव को पहले हम जान लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको आना है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक। तो मोबाइल की स्क्रीन आपको बगल दिखाई पड़ रही, इसको ध्यान से देखिए। आपको आना है गूगल पर, सर्च करना है UPMSP। जब आप सर्च करोगे UPMSP तो आपकी जो यहाँ पर आप देख सकते हो UPMSP आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद सभी लोग जब आप ओपन करोगे इसे, तो ओपन करने के पश्चात आप यहाँ पर देखिए मॉडल प्रश्न पत्र आपके जारी हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, तो स्क्रॉल करने पर आपको एक देखिए नोटिस मिली है कि वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। अब आप सभी लोगों के लिए UPMSP ने क्या सुझाव दिया है, इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस पर हम जाते हैं, पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक क्लास 10th के लिए और एक क्लास 12th के लिए, ठीक। तो हम लोग तो क्लास 12 में हैं, क्लास 12 की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो। तो इसमें अगर देखें तो क्लास 12 के अंतर्गत हर सब्जेक्ट का सुझाव अलग अलग है। मैथमेटिक्स टिप्स अलग है, केमिस्ट्री टिप्स अलग है, बायोलॉजी टिप्स अलग है, इंग्लिश के लिए टिप्स अलग दी गई है और हिंदी के लिए टिप्स अलग दी गई है। तो आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मैथ टिप्स की, ठीक। हालांकि आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैथ टिप्स पर क्लिक करेंगे वैसे आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी जो PDF है वो आपकी ओपन हो जाएगी। अब इसमें यह दिया गया है कि गणित विषय की तैयारी है तो महत्वपूर्ण सुझाव। UPMSP ने गणित विषय की तैयारी है तो कौन कौन से सुझाव दिए हैं आप देख सकते हो। बहुत सारे सुझाव आपके समक्ष लिखे हुए हैं, कुछ मेन मेन सुझाव जो हमने पढ़े वो आपको बता देते हैं। देखिए UPMSP ने क्या बताया है, UPMSP ने यह बताया है कि विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बना लें। देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप जो अपनी समय सारणी है उसे आप वेल मेंटेन कर लीजिए। जो भी बचे हुए दिन हैं उसके अकॉर्डिंग अपने समय सारणी को मेंटेन कर लीजिए कि कैसे आपको कौन सी विषय पढ़नी है, जिससे संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। यानी जब आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को दोहरा कर जाओगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई चीज़ ऐसी कमी नहीं महसूस होगी कि ये चीज़ हम पढ़ के नहीं आए, ठीक है ना। तो आप अपना जो है समय सारणी जरूर बना लीजिए। उसके बाद देखिए UPMSP ने यह बताया है कि प्रत्येक विषय का निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रत्येक विषय का मॉडल प्रश्न पत्र आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और मैं मॉडल प्रश्न पत्र आपको हल भी करा रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बोर्ड एग्जाम के पहले हर मॉडल पेपर प्रश्न का आपका सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही में आपको बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी भी हम कराएंगे। साथ ही में आगे एक देखिए बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर बताया गया है, महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया गया है कि आप लोग क्या करें कि यदि कोई टॉपिक या प्रश्न अस्पष्ट है, ठीक है, यदि आपका कोई प्रश्न या टॉपिक अस्पष्ट है तो उसे अच्छी तरीके से आप जो है तैयार करें अध्यापक की मदद से, किसी न किसी की मदद से, जहाँ से आप भी पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आपको। कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसमें यह भी बताया गया कि अध्यावार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें और उन्हें कंठस्थ कर लें। जैसे मैं आप सभी को गणित पढ़ाता हूँ, सभी को पता है, देखिए सूत्रों को रटा नहीं जा सकता है, उनको आंखों के सामने रखिए, साथ ही में सवालों में उनका यूज कीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण आपके सूत्र हैं उनकी सूची आप बना लीजिए और अपने कमरे में उसे चिपका लीजिए। 10-15 दिन आप देखोगे वो सूत्र आपको याद हो जाएगा एग्जाम के पहले पहले। साथ ही में ये भी बताया गया कि ये भी बताया गया इसमें क्या बताया गया आगे देखते हैं। इसमें लिखा कि गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन पर पहले आप उनको तैयार कीजिए, जिससे उसमें क्या हो जाए आपकी पकड़ बन जाए। तो गणित के जो भी टॉपिक्स आपके लिए सरल हैं उनको पहले तैयार कीजिए, जो कठिन धीरे धीरे समय रहते हैं उनको भी तैयार करना शुरू कर दीजिए। फिर आगे एक इसमें देखिए बताया गया है क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया इन्होंने कि रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को हल करते समय, रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को हल करते समय रेखाएं खींचने में स्केल व पेंसिल का प्रयोग अवश्य करें। समझ रहे हो ना, आपको जब भी पेपर देने जाना है सभी विद्यार्थियों को पता है कि रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन आना है सभी विद्यार्थियों को पता है 5 से 8 नंबर का आना है। तो इन्होंने इसीलिए इसका जो सुझाव है वो एक बिंदु के रूप में दिया है कि रेखाएँ खींचने में आप स्केल और पेंसिल का यूज जरूर करें,
ठीक। उसके बाद ये भी इन्होंने बताया कि जो समाकलन, जो कलन चैप्टर आपका होता है, सभी को पता है उसमें अवकलन, समाकलन, अवकल समीकरण ये सब आता है, और इससे 44 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया है कि समाकलन में सभी मानक समाकलों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें याद करें। जो भी आपके सूत्र हैं उनको आप जो है अच्छी तरीके से सूचीबद्ध करके मानक समाकलनों को याद कर लीजिए। आप जानते हो कि जो मानक समाकलन होते हैं उनके सूत्रों का योग समाकलन के अनुप्रयोग नामक चैप्टर में है। मैंने मैराथन क्लास हर चैप्टर की आपको प्रोवाइड भी कर दी, और सूत्र नहीं याद होंगे तो भैया कुछ हो नहीं पाएगा। आगे अगर बात करें इसमें, तो इन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया सी बात इन्होंने कही अपने सुझाव में कि परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति तो आपकी हो जानी चाहिए, साथ में प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास अवश्य होना चाहिए, जिससे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को उदाहरण के एनसीईआरटी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ ही में आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उन्हीं को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें मैराथन क्लास में उन्हीं की दे रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। देखिए, और इसमें देखिए अगर बात करें तो इसमें यह बताया गया कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो तो मैं आपको सॉल्व कराना शुरू कर दिया हूँ और मैं आपको सॉल्व करा भी रहा हूँ, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, गणित की, फिजिक्स की, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिए। प्रयास कीजिए कि 2022 के सातों सेट आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक। तो ये आप सभी लोगों की UPMSP ने ये आपको सुझाव दिया है कि बोर्ड एग्जाम के पहले इस तरीके से अपने आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब आपके पास जो समय बचा हुआ है इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जब आपको प्रश्न पत्र हल करना है तो प्रश्न पत्र हल करते समय आपको किन बिंदुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला, इन्होंने ये बताया कि प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करने से पूर्व ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप कोई भी प्रश्न पत्र हल करें तो उसे सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ डालें। जब आप अच्छे तरीके से प्रश्न पत्र को पढ़ोगे तो आपको 10 से 5 मिनट का समय लगेगा, उसमें आपका पूरा जो माइंड मेकअप वो बन जाएगा कि किस प्रश्न पर हमें कितना समय लगना है, क्योंकि इतना तो आपको पता है ना कि किस प्रश्न पर कितना समय लगेगा, तो आपका माइंड मेकअप पहले से बन जाएगा और प्रत्येक प्रश्न पर आप उतना ही समय देने की कोशिश करोगे। इसलिए प्रश्न पत्र को पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का हल स्पष्ट हो उसे पहले करें, तत्पश्चात जिन प्रश्नों में कठिनाई उसे बाद में हल करें। समय नष्ट ना करें, क्योंकि समय वहां पर आपके पास अगर 3 घंटा 15 मिनट का है तो उतना ही मिलेगा भैया। इसलिए समय की बर्बादी से बिल्कुल बचने की कोशिश करें, किसी भी प्रकार से आप समय का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग ही करें। अगला देखिए आपको क्या दिया गया सुझाव कि प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही सही उतारा है अथवा नहीं। कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिख लेने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर नहीं आता है और अंक कट जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। अगर आप गणित का कोई प्रश्न हल कर रहे हैं तो प्रश्न पत्र में से जैसे ही आपने प्रश्न को उतारा, गणित का कोई भी प्रश्न हल करने से पहले आप प्रश्न को उतारोगे ही गणित में, तो जो भी आप प्रश्न उतार रहे हो, जो भी संख्या या जो भी अंक उतार रहे हो आप ये देख लीजिए प्रश्न पत्र से आप वही उतारे हो, पता लगे कि उसमें 3 लिखा है यहाँ पर 4 लिख दिए, 4x² तो बाद में हल कर रहे हो तो आंसर नहीं आ रहा, फंसे पड़े हो, तो उसमें समय आपकी बहुत बर्बादी। तो आप प्रश्नों को उतारते वक्त जरूर एक बार देखें। आगे क्या दिया गया है, प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण जरूर लिखें। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उस प्रश्न के प्रत्येक स्टेप को लिखें, कोई भी स्टेप छोड़े मत, क्योंकि स्टेप छोड़ने का मतलब ये है कि आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। स्टेप आपने पूरे लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो स्टेप का जरूर ख्याल रखें, कोई भी स्टेप डायरेक्ट मत करें। आगे यहाँ पर बात करें तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रश्न के को हल करते समय स्पष्ट प्रश्न के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग करें। समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में भी ग्राफ खींचना रहता है, आपको दिखाना रहता है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में भी आपको चित्र बनाना रहता है, तो जहाँ जहाँ पर आपको ग्राफ चित्र बनाना वहाँ पर उसका प्रयोग जरूर करें। आगे लिखा है कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या ही अंकित करें, ठीक है ना। आपको उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या ही अंकित करना, बाकी कोई भी प्रश्न संख्या अंकित नहीं करना है। आगे दिए गए प्रश्नों को स्वच्छ एवं स्पष्ट तरीके से हल करने का प्रयास करें।
ठीक, गणित विषय है तो क्या हुआ, बहुत लोग कहते हैं गणित विषय में नंबर नहीं करते हैं, गणित विषय है हुआ है तो क्या हुआ, आप लोगों को क्या करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, कापी को बहुत ही साफ सुथरा लिखना है। मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि आपको कैसे गणित की कापी लिखना है जिससे आपको अच्छा से अच्छा स्कोर मिले, क्योंकि मैंने लिखा था, मुझे 95 मार्क्स मिले भी थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 100% बताऊँगा, बिल्कुल वैसे लिखिएगा, अगर 95% मार्क्स ना मिले तब कहिएगा, बस तैयारी करते रहिए, जो क्लास है मैं आपको दे रहा हूँ वो करते रहिए। आगे देखिए, रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ या दाहिनी ओर मार्जिन खींच कर करें तथा उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित करें, रफ कार्य करने के पश्चात उसे एक सीधी लाइन से काट दें। आपको जब भी कॉपी मिलेगी तो रफ कार्य करने के लिए क्या करना है, अदर पन्ने पर करना है, इसमें लिखा है ना उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर दाहिनी ओर करना है, जिससे आपको, क्योंकि दूसरी कॉपी मिलेगी नहीं, तो मिलेगी नहीं तो आप लास्ट पेज पर करोगे तो आपको बढ़िया अच्छे तरीके से जगह मिल जाएगी सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर आप रब कीजिए, रब करने के बाद आप एक लाइन से उसे काट दीजिए, रब कार्य जरूर उस पर लिखिए। ठीक है, आगे लिखा है कि प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात, पूरा हल करने के पश्चात यह सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न में सभी अंकित प्रश्नों को हल कर लिया गया है कि नहीं। ये तो मैंने कई बार कहा कि प्रश्न जब भी आपका प्रश्न पत्र हल हो जाए तो एक बार कॉपी को भैया जरूर मिलाइए, कॉपी को मिलाओगे तो 100% आपको एक चाहे छोटी सी त्रुटि देखने को मिलेगी, जब मिलाओगे तो वो त्रुटि आपकी सही हो जाएगी। तो ये थे UPMSP ने आपके लिए गणित विषय की तैयारी हो तो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के सुझाव पसंद आए होंगे। बाकी आप PDF यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, बालाजी स्टडी मोशन सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, मैं आपको ये सारी सब्जेक्ट की PDF उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है ना, फिर चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।